So welcome students, we are now in the second chapter, Introduction to Programming in C Language. So sab to pehla main Randhir School de vich tada saryan da swagat karda haan ke tusi saryan ne Kapurthala shahar de ik bahut hi behtareen school de vich commerce vibhag de vich dakhla liya hai. साड़ा अज का जिहड़ा चैप्टर है ये प्लस वन क्लास के लिए दूसरा चैप्टर आप शुरू कर जा रहे हैं क्योंकि इस तो पहले चैप्टर दे वेच आपा देखा है कि दसवीं दे जो आपा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस पढ़िया है वो दोहराई है तो असी आशा करते हाँ कि तुसी उन्हें चंगे ढंग नाल समझा होएगा इसलिए आपा सैकेंड चैप्टर तो स्टार्ट कर जा रहे हैं. सो Introduction to Programming in C Language. C is a popular general purpose programming language. One of the most important reason for its popularity is its portability. Portability means that C program written for one computer can be run on another with little or no modification. So प्यारे बच्चों जितना के इस पैरे आप समझ पा रहे हैं कि जिहड़ी सी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका मतलब कि प्रयोग पूरी दुनिया के सब तो ज़्यादा किया जा रहा और जो मेन कारण पोर्टेबिलिटी है. पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि सी एक ऐसी लैंग्वेज आ कि जे आपां उहदे विच किसी भी प्रोग्रामिंग नूं तैयार करके कोई अपना सॉफ्टवेयर तैयार करते हाँ या उस आपां कोई प्रोग्राम बनाने हाँ तो उसनों आपां बिना किसी मॉडिफिकेशन की लोड नू यूज़ किते हैं सीधा किसी होर दूसरे कंप्यूटर ते ईजीली यूज़ कर सकते हैं. उहदे लई सानू किसी तरह की मॉडिफिकेशन की लोड नहीं रह जाती ना सानू किसी तरह की होर उहदे च कोई चेंजेस करन की लोड हुंदी आ. सो इस करके आपां कह सकते हैं कि जिहड़ा है मतलब कि सब तो ज़्यादा यूज़ होने वाला एक लैंग्वेज है. उहदा कारण है क्योंकि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है तो इसलिए आपां इहनू यूज़ करते हैं. हुण आपां सी बारे जाणदे हाँ. सी वाज डिवेलप्ड by Dennis Rich, a system programmer at Bell Laboratories in 1972. So Bell Laboratory de vich Dennis Rich valon eh jada 1972 de vich is program nu is language nu develop karke develop kita gaya and ida jada naam aa C o matlab ki fact aa ki based on the language by the Ken Thompson and offspring of the basic combined programming language BCPL properly called B language ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਕੰਬਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਨਿਸ ਰਿਚ ਵੱਲੋਂ बैल लैबोरेटरी 1972 इन्हों डेवलप किया गया ये लिए एक साडा मतलब कि एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट पार्ट है इतने आप ध्यान रखना है. दैन नैक्सट देर वर वेरीअस सी कंपाइलरस लाइक ANSI सी बॉरलैंड सी टर्बो सी. सो आप जी अपनी लैब यूज़ करते हैं वो आप टर्बो सी यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ कि साढ़े को जोड़ा ओपरेटिंग सिस्टम है वो आप विंडो बेस्ड ओपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं इसलिए आप टर्बो सी का इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज नू रन करने के लिए. नैक्सट है फीचर ऑफ सी लैंग्वेज. सो जिदा कि आपको पता वा कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स होंगे कुछ फीचरस होंगे कुछ वो गुण होंगे तो सी लैंग्वेज के किड़े किड़े गुण आ वो आप बारे देखते हैं. सो सी प्रोग्राम्स आर वेरी एफिशेंट एंड हैव फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड. सो आप जो पहला फीचर है कि यदि जी स्पीड है और यदि जी एफिशेंसी है दो ये मतलब फस्ट फीचर ने. नैक्सट है साढ़े को सी लैंग्वेज इज रिच इनबिल्ट फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन. सो ये बारे आप अगे भी पढ़ा कि सी लैंग्वेज के साढ़े को दो तरह के फंक्शन होंगे
एक तो लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरे यूजर डिफाइन फंक्शन, तो बहुत सारे फंक्शन साढ़े को सी लैंग्वेज के इनबिल्ट ही ने, जिसलिए कि मतलब कि यूजर के लिए बहुत आसान हो जाता है इतने काम करना, क्योंकि उसनू ज़्यादा कुछ मेहनत करने की लोड़ नहीं होंगी। ऑलरेडी आप लाइब्रेरी फंक्शन तो जोड़े भी फंक्शन की आपको लोड आ, आप हैडर फाइल यूज़ करके उन्होंने कॉल करके उन्होंने यूज़ कर लें। सो ये भी एक अच्छा फीचर है। नैक्सट है सी लैंग्वेज प्रोग्राम आर हाईली पोर्टेबल, जिदा कि पहला भी आप गल की कि यदि पॉपुलैरिटी इस करके है क्योंकि ये पोर्टेबल है, यदि पोर्टेबिलिटी है, इसन आप एक कंप्यूटर तो दूसरे कंप्यूटर से बिना किसी मॉडिफिकेशन तो यूज़ कर सकते हैं। यदि जी एग्जीक्यूशन आ किसी अनदर कंप्यूटर से वह बहुत ईजीएसट आ। सो य भी एक कारण है कि आप मतलब कि यदा यूज़ करते हैं। सो सी लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मीनस इट हैज़ डिफरेंट मोड्यूल्स एंड ब्लॉक्स। सो आप जड़ी साढ़े को सी लैंग्वेज आ, इनू आप वक् वक् मॉड्यूल्स ते ब्लॉक्स के वंड के यदि आप जी ये आप प्रोग्राम तैयार करते हैं, ता कि सानू जे कोई विच एरर आती है तो उसनू लभना और डीबग करना बहुत आसान रहिंदा वा। नैक्सट है सी लैंग्वेज इज़ वैरी सिंपल टू लर्न एंड यूज़। मैं पहला भी दस चुका वा, इनू आप मिडल लैवल लैंग्वेज इसलिए कहने क्योंकि ये इसनू सीखना आसान है, इसनू पढ़ना आसान है। नैक्सट है सी लैंग्वेज इज़ ऑलसो कॉल्ड मिडल लैवल लैंगुएज, जिदा कि मैं पहला भी दसिया इसनों आप मिडल लैवल लैंगुएज कहने बिकॉज इट हैज़ बोथ टाइप ऑफ फीचर, हाई लैवल लैंगुएज एज वैल एज द लो लैवल लैंगुएज। हाई लैवल लैंगुएज का मतलब होंदा वा जी साड़ी अपनी मकैनिज़म भाषा है जिन्होंने आप मशीनी भाषा बोल दें, वो हाई लैवल लैंगुएज होंगी आ। और लो लैवल लैंगुएज इस तरह कि आप अपनी बोलचाल की भाषा के इंग्लिश लैंगुएज यूज़ करते हैं तो उसको आप लो लैवल लैंगुएज कहने। तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बोथ लो लैवल लैंगुएज एंड हाई लैवल, इसलिए आप इनू मिडल लैवल लैंगुएज के नाम जानते हैं। सी लैंगुएज हैज़ एन इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज कॉल्ड एक्सटेंसीबिलिटी। इट मीनस यू कैन राइट योर ओन फाइल और फंक्शन और इनकलूड इन अनदर प्रोग्राम। मैं जिदा कि थानू पहला उपर भी दसिया से भी साढ़े को यूजर डिफाइन फंक्शन भी होंगे। यूजर डिफाइन फंक्शन का मतलब है कि तुम अपनी लोड़ के मुताबिक अपनी सुविधा अनुसार अपनी प्रॉब्लम नूं देखते हुए वो सोल्यूशन दे लई तुसीं खुद दे फंक्शंस तैयार कर सकते हो। सो इसलिए आप इनू कहने भी ये जिहड़ा है साडे कोल मतलब कि बहुत आसान है और इसनू इहदे कोई किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कढ़ना आसान है। सी लैंग्वेज कंपाइलर गिवज रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट। इट हैज़ अ फैसिलिटी ऑफ वार्निंग विच गाइड फॉर बैटर एंड एफिशेंट। जो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप एक प्रोग्राम तैयार करते हैं और आपू कंपाइल करते हैं तो उस वक्त सानू दसदा वा कि थोड़ी इस मतलब कि प्रोग्रामिंग दे विच किन्नियां गलतियां ने और गलतियां कित्थे ने। ए जिहड़ी चीज़ एक फैसिलिटी है जिहड़ी मतलब कि आपू सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता वा, जिस करके जिहड़े रिजल्ट्स ने बहुत एक्यूरेट रहिंदे आ। नैक्सट है साढ़े को सी लैंगुएज इज़ यूज टू डेवलप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग ग्राफिक्स प्रोग्राम। तो इसका आप जो इस्तेमाल आ वो ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के लिए भी करते हैं। सो प्यारे बच्चे आज के लिए आप दो चीज़ा एक बार आप दोबारा देख लें। सब तो पहला आप ये देखा इंट्रोडक्शन ऑफ सी की है, कदों डेवलप हुई, कि वालों की गई, तो आप जानते हाँ कि सी जी बहुत पॉपुलर लैंगुएज है वर्ल्ड की, इसका वो तो वह इस्तेमाल हो रहा दुनिया के और वह मेन कारण है कि यदि पोर्टेबिलिटी का मतलब हों भी तुम जे किसी प्रोग्राम ने कंप्यूटर पर बनाया तो उसको दूसरे कंप्यूटर पर आसानी शिफ्ट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम तो। इस तरीके आप नैक्सट पैराग्राफ से देखा कि सी लैंगुएज की डेवलपमेंट आ वो डेनिस रिचे वालों वैल लैबोरेटरी 1972 की गई। ये जरा बेस आ बेसिक लैंगुएज तो लिया गया वा, इस करके इसका नाम बाद सी रख्या गया क्योंकि आप इंडिया के विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हाँ तो वो जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टर्बोसी बोलते हैं, जिद सी लैंगुएज में फ्रीकुएंटली अपने पीसी के उत्ते चला सकते हैं। सो आप ये फीचरस देखे जिद पता लगा भी ये सी लैंगुएज की जी स्पीड आ एक्यूरेसी आ एफिशेंसी बहुत अच्छी आ, ये इनबिल्ट फंक्शन ने यूजर डिफाइन फंक्शन ने जेडे कि मतलब कि इसनों होर ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। सो ये साढ़े को जरा अज का आप टॉपिक कवर किया वा कि वट इज़ सी लैंगुएज एंड वट आर देयर फीचरस। सो मैं उम्मीद आ कि थानू मेरा ये लैक्चर पसंद आया होएगा। सो थैंक यू वैरी मच, घर रहो। जिहड़े ऑनलाइन क्लासेस तुहानू प्रोवाइड कीतियां जा रही रणधीर स्कूल वालों गौरमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल कपूरथला बॉयज़ वालों, उन्होंने तो डेली अपडेट्स आप जी पाए जा रहे हैं, वट्सएप ग्रुप के लिंक भेजे जा रहे हैं, उसनों देखो और घर बैठ के अपना जो काम थानू टीचर्स वालों दिता जा रहा उसनों करो। थैंक यू वैरी मच, गॉड ब्लैस यू।